सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे. सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अनअकैडमी. आई होप एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन. एक बार मुझे कंफर्म करें, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरीबडी? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्रीशियस प्लेटफॉर्म अनअकैडमी. सो आई होप आप सभी अच्छे से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे. आज हम इतिहास के काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQ को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं. ऑलराइट, उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में. सो मैं हूँ ज्योति तिवारी मैम, जो आपको UGC नेट Paper 1 पढ़ाती हैं एंड उसी के साथ साथ Paper 2 भी मैं आपको पढ़ाती हूँ. Paper 2 मेरा हिस्ट्री है, ठीक है. डेली क्लासेस की टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो. एज यू कैन सी 2:30 PM एंड 3:30 PM पे हमारी YouTube क्लासेस होती है, साथ में अनअकैडमी एप्लीकेशन की क्लास 6:50 PM पर डेली होती है. मोर देन 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है. डियर स्टूडेंट्स, एक मोटिवेशन थॉट के साथ क्लास की हम स्टार्टिंग करेंगे. सो आपकी जो सफलता है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है. आप सफल रहोगे, हर कोई आपको पूछेगा, ठीक है. जिंदगी में अगर आप सफल रहे तो हर कोई आपको पूछेगा, हर कोई कहेगा कि भाई ये मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मैं इनको जानता हूँ. वही असफल रहे तो कोई पूछने नहीं आता, ठीक है. इसीलिए आपको हर एरिया में, और इसको एज अ मोटिवेशन लेना है, ये नहीं कि आप ये सोचो कि आपको जानने के लिए लोग टर्म्स और कंडीशन पर विश्वास करते हैं. नहीं, आपको इसे मोटिवेशन लेना है कि हाँ मैम, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, हमें दुनिया में अपना नाम कमाना है. एवरीवन क्लियर है? वेरी गुड आफ्टरनून राधे, पिंकी, राज, एवरीबडी. सो अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक बैचेस आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरियस वेरियस आप फीचर्स देख सकते हो. एंड डियर स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, एप्लीकेशन पे जाएं, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, प्लस आइकॉनिक जो आपको चाहिए उस पर क्लिक करें, और साथ में जब भी रेफरल कोड पूछे फ्री या फिर पेड कोर्स के लिए, आप JTNET अप्लाई कर सकते हो. ये सिंगल कोड से आप Paper 1 Paper 2 सभी टीचर्स को देख सकोगे. चलो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, फटाफट सभी क्वेश्चन देखें. एवरीवन फटाफट इस क्वेश्चन को देखिए. आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, आपके पास यहां पे 30 सेकेंड्स हैं, ठीक है. 30 सेकेंड्स हैं, यू हैव 30 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके एवरीवन, एवरीवन, सो विच अमोंग द फॉलोइंग वॉज द सिंगल बिगेस्ट आइटम सिंगल बिगेस्ट आइटम ऑफ इम्पोर्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर. विजयनगर साम्राज्य के लिए आयात की सबसे बड़ी वस्तु क्या थी? तो घोड़े, ठीक है. घोड़े सबसे ज्यादा वहां पे आयात किए जाते थे, ठीक है, इम्पोर्ट किए जाते थे, लाए जाते थे. क्लियर है? क्लियर है? हाँ, ये क्लास हिस्ट्री की ही है, हिस्ट्री की क्लास है. हिस्ट्री की MCQ हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, और MCQ काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए. लार्जर एक्सपोजर आपको PYQ और MCQ से मिल जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल्स डाइट इन द कलिंगजार फोर्ट सिचुएटेड इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया? हरियप. एवरीवन, एवरीवन, इस क्वेश्चन का आंसर करिए. ऑल राइट, एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है. हर एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन तो एक दो आप देख सकते हो. सो इट विल बी शेरशाह सूरी, ठीक है. मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित कलिंजार किले में शेरशाह सूरी शासकों की, आप कह सकते हो, किस शासक की मृत्यु हुई? शेरशाह सूरी शासक की मृत्यु हुई, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियप. वेरी गुड आफ्टरनून रोमा एंड एवरीवन.
सो आज आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाई हूँ एंड जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट्स के साथ जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं. ऑल राइट, हरिय हमीम हुमम जो रॉयल स्कूल के प्रमुख थे, किस मुगल सम्राट के दरबार को उन्होंने सजाया था? तो उन्होंने अकबर के दरबार को सजाया था. किसके दरबार को? हमीम हुमम ने अकबर के दरबार को सजाया था. ठीक है, अकबर के दरबार को डेकोरेट किया था. क्लियर है? Who among the following is not a member of Subaltern Studies Project in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में सबाल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट का सदस्य नहीं था? फटाफट आंसर करेंगे. ए बी सी डी. आपके पास 35 सेकेंड ऑलमोस्ट हैं. फटाफट आंसर करेंगे. ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन. फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? ओके, 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट. सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? आप कहोगे फोर्थ विल बी आवर राइट आंसर. रामचंद्र गुहा जो थे वो आप कह सकते हो सब अल्ट्रंस स्टडीज प्रोजेक्ट के मेंबर वो नहीं थे. ठीक है, मेंबर वो नहीं थे प्यारे साथियों, क्योंकि इन्होंने क्या, ये दूसरे टॉपिक्स पे लिखना पसंद करते थे, जैसे कि पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री या फिर क्रिटिकल हिस्टोग्राफी, ये लिखना पसंद करते थे. वो मेंबर नहीं थे. ठीक है, रामचंद्र गुहा मेंबर नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Historical method may be regarded as science that deal with the nature of human thought and the circumstance which condition its true or validity. As science of knowledge, history is completely separated from natural science because it does not have universal laws. Assertion or reason ka question hai, fatafat answer karenge. और इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनके साथ इस सेशन को शेयर करेंगे. तो 8 सेकेंड्स आर लेफ्ट. फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का. ओके, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? ए बी सी डी. तो आप कहोगे मैम सेकेंड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. ऑलराइट, जो स्टेटमेंट है दोनों सही है, मगर रीजन उसको करेक्ट डिफाइन नहीं कर रहा. जो आपका ऐतिहासिक पद्धति क्या है, एक विज्ञान के रूप में माना जा सकता है जो मानव विचार की प्रकृति और उन परिस्थितियों से संबंधित है जो इसकी सच्चाई या वैधता को प्रभावित करते हैं. बिल्कुल सही. रीजन क्या है? ज्ञान के विज्ञान के रूप में इतिहास पूरी तरह से प्राकृतिक विज्ञान से अलग है क्योंकि इसमें सार्वभौमिक कानून नहीं है. तो ये भी एब्सोल्युटली राइट है कि जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, अगर हम बात करें कि विज्ञान साइंस के रूप में, तो ये थोड़ा सा अलग है. ठीक है, साइंस में क्या होता है, एक मेथड फॉलो होता है. ठीक है, साइंस में हमेशा मॉडर्न्स फॉलो होते हैं, मगर जो हिस्ट्री है वो रची जाती है. ठीक है, हिस्ट्री जो है वो रची जाती है. तो दोनों पॉइंट तो सही है, मगर आप कह सकते हो जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा फर्स्ट ऑप्शन को, फर्स्ट असर्शन को. ठीक है, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट इज ऑल्सो नोन फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोलिथिक्स? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको कराई हूँ, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. कौन सी ऐसी साइट है, कौन सी ऐसी जगह है जो माइक्रोलिथिक के लिए आप कह सकते हो उस वहां पे मास प्रोडक्शन किया गया था, बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था माइक्रोलिथिक्स, यानी माइक्रो मीन्स छोटे छोटे, लिथिक्स मीन्स पत्थर. ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों से जो बनाई गई चीजें थी, कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता था उसका? ए बी सी डी. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. वेरी गुड, 10 सेकेंड आर लेफ्ट, सिर्फ 10 सेकेंड है आपके पास. फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का. वेरी गुड, सो सभी लगभग नारायण रीति का
सपना, उदित, सनातन, राधे सभी लगभग बोल रहे हैं मैम बी होगा राइट आंसर, तो बी ही है। आप कह सकते हो बगोर में माइक्रोलिथिक का जो मास उत्पादन कहाँ होता था, बगोर में होता था। ठीक है, कहाँ, बगोर में होता था। कहाँ पड़ता है आपका जो ये बगोर एरिया है, राजस्थान में पड़ता है। लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है इंडिया का, यहाँ पे आप कह सकते हो सबसे ज्यादा जो ये माइक्रोलिथिक छोटे छोटे पत्थरों से जो औजार बनाते नहीं स्टोन होता है, वही चीजें आप कह सकते हो सबसे ज्यादा पाया गया। ठीक है, उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज शैव टीचर इन साउथ। शैव शिक्षक कौन थे, साउथ के हिसाब से बात करें, दक्षिण भारत के हिसाब से बात करें, वहां पे शैव शिक्षक कौन थे, फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून ऐशु, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ए बी सी डी। ओके, 15 सेकेंड आर लेफ्ट, फटाफट आंसर करेंगे। साउथ में शैव शिक्षक कौन थे, वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर आने स्टार्ट हो गए, टाइम इज अप नाउ। फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर, सुंदर मूर्ति साउथ में शैव शिक्षक थे। ठीक है, शैव शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following painters wearing जहांगीर कोट, जहांगीर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार मौजूद थे, फटाफट आंसर करेंगे। ए बी सी डी, थर्टी सेकेंड्स आर लेफ्ट, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर, जहांगीर के दरबार में कौन कौन से चित्रकार प्रेजेंट थे। जो जो क्लास में है सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा, सेशन को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, पसंद आए क्लास तो लाइक जरूर करिएगा। तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर, नाइन सेकेंड आर लेफ्ट, ओके, सो सी ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। अबुल हसन और उस्ताद मंसूर थे, आप कह सकते हो जहांगीर के कोर्ट में ये पेंटर के रूप में ये मौजूद थे। ठीक है, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, मिनिएचर पेंटिंग करना इनको पसंद था। ठीक है, जो आप कह सकते हो चित्रकारी जो थी, मिनिएचर चित्रकारी करना पसंद था। यहाँ पे आज का एक नमूना है, आप ये नमूना देख सकते हो, एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following site is famous for stupas, monasteries, temple and pillars? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्तूपों, मठों, मंदिरों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? A, B, C, D। कहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्तूप बने हैं, मठ बने हैं, मठ यहाँ यानी कि क्या, जहाँ पे बुद्ध लोग जो आप कह सकते हो जहाँ पे निवास करते थे। ठीक है, जहाँ पे आप कह सकते हो अपनी दिनचर्या बिताते थे, निवास करते थे। मंदिर बने हैं सबसे ज्यादा, स्तूप बने हैं भाई, स्तंभ भी बने हैं, फटाफट आंसर करेंगे। तो 15 सेकेंड आर लेफ्ट, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर, वेरी गुड पूनम, नारायण, रितिका, सपना, ऐशु, वेरी गुड राधे, चलो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर, तो सी विल बी योर राइट आंसर, सांची। आपने सुना होगा सांची के स्तूप, सांची में मठ, सांची में मंदिर। तो सांची कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। सोचो मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका पड़ता है, क्या पड़ता है, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं आप सभी ने सुनी है, जहाँ पे शैल चित्र बनाए गए हैं, जो आदि मानव थे उनके द्वारा शैल चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, और क्या पड़ता है आपका, आप कह सकते हो मैम खजुराहो का टेंपल भी पड़ता है। ठीक है, सो सांची जो है प्यारे साथियों, यहाँ पे आप कह सकते हो ये साइट फेमस है स्तूपास, मोनेस्ट्रीज और टेंपल और पिलर्स के लिए। ठीक है, बहुत ही फेमस है। कब से कब तक बनाया गया है, तो लगभग आप कह सकते हो 3rd सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक ये सारी चीजों का निर्माण किया गया है, जो आप सांची में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थल जल संसाधन प्रबंधन के लिए हड़प्पा वासियों की जागरूकता
और तकनीकी कौशल का प्रमाण प्रदान करते हैं। ए बी सी डी, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको कराई हूँ एक बार, शायद इसमें एक भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। ओके, वेरी गुड पूनम, सपना, रितिका, राधे, नारायण, वेरी गुड। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? 5 seconds आर लेफ्ट, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो कहां पे आप कह सकते हो जल प्रबंधन, जो आप कह सकते हो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, किस एरिया में अच्छी से की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग में? तो धोलावीरा में आप कह सकते हो साक्ष्य पाया गया है कि वहां के जो लोग थे इतने अच्छे तकनीक अपना के उन्होंने जो पानी है, ठीक है, जो वाटर है उसको एक कह सकते हो उसको बचाने के लिए, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से उस पानी को बचाने के लिए एक प्रबंधन किया गया था, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। मोहनजोदड़ो में नहीं बेटा, मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया, ठीक है। तो धोलावीरा विल बी आवर राइट ऑप्शन। और अच्छा, ये कोडिंग में है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कोडिंग में है तो धोलावीरा के साथ साथ मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया। स्नानागार भी तो आप कह सकते हो पानी को मैनेज करना है, पानी को एक जगह प्रबंधन करके आप कह सकते हो रखना। और कुएं भी तो पाए गए हैं ना, कुएं भी पाए गए हैं, और आप कह सकते हो नाली की जो आप कह सकते हो इतने बेहतरीन तरीके से प्रबंधन किया जाता था कि जो जल निकासी थी वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिली है। तो ए और बी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि कोडिंग यहाँ दी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, आप सभी जल्दी से मुझे बताएं। ए बी सी डी कौन से स्टेटमेंट? वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड, फटाफट इस आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, और सेशन को शेयर और लाइक भी करते रहिएगा सभी लोग। 40 seconds आर लेफ्ट, फटाफट आंसर करेंगे। 15 seconds आर लेफ्ट। अच्छा, कोडिंग नजर नहीं आया नारायण जी को। नारायण आप फुल स्लाइड कर लो तो शायद नजर आ जाए, ठीक है, लैंडस्केप करके फुल स्लाइड कर लो, फटाफट आंसर करेंगे। सो टाइम इज अप नाउ, व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन? तो जो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, वो आपका कह सकते हो सही नहीं है। इसके रिगार्डिंग जो सुल्तान जैनल आबिदीन थे, उन्होंने क्या किया, अपने दरबार में कभी भी शैदों को तानाशाही सत्ता हथियाने की अनुमति नहीं दी है। तो ये सत्य है भाई, सुल्तान जैनल आबिदीन कभी उन्होंने सैदीस को आप कह सकते हो सैदों को तानाशाही करने की अनुमति नहीं दी है, ठीक है, काफी पीस था उनके टाइम में। ही कॉल्ड हिमसेल्फ आमिर उल मुमिनिन, हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद को आमिरुल मुमिनिन कहा। ही टुक इमेंस इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन, बिल्कुल उन्होंने आप कह सकते हो जो कृषि थी, एग्रीकल्चर का उत्पादन करने का विस्तार, उसमें काफी इंटरेस्ट लिया उस चीज का विस्तार करने के लिए। लेकिन उन्होंने आप क्या कह सकते हो शेखुल इस्लाम के पद को समाप्त कर दिया, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, ठीक है, नॉट ट्रू है, क्योंकि उन्होंने पद को आप कह सकते हो समाप्त नहीं किया था शेखुल इस्लाम को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किन जनों का उल्लेख किया गया है? 16 महाजनपद हम सब पढ़ते हैं, तो किस आप कह सकते हो ऋग्वेद में किन किन जनों का उल्लेख है? फटाफट आंसर करेंगे, ए बी सी डी। फिफ्टीन सेकेंड आर लेफ्ट, 15 seconds है आपके पास, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। यदु
पुरुचेदी मत्स्य, ये चारों आप कह सकते हो जनों का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद क्या है, इंडिया का सबसे पुराना, सबसे आप कह सकते हो एंशियंट वेद है। और वेदों की रचना किसने की है, माना जाता है वेदों को लिखा नहीं गया है, ये ईश्वरीय वाणी है, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, बस कंपाइल्ड किया है। तो जल्दी से आप मुझे बताओ कंपाइल्ड किसके द्वारा किया गया है, क्या ऋषि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है या कोई और ऋषि के द्वारा वेदों को कंपाइल्ड किया गया है, ठीक है, फटाफट मुझे बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम ऑफ द क्रिप्स मिशन वॉज, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, फटाफट ऑप्शन में बताओ, ए बी सी डी, 50 सेकेंड आर लेफ्ट। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, इंटेंशन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या था भाई इसका, आप कह सकते हो एम क्या था, तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट ऑप्शन, ठीक है, टू परसुएट इंडियन लीडर्स टू सपोर्ट ब्रिटिश वॉर एफर्ट। क्या था भाई, जो आप कह सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध था, तो उसमें ब्रिटिश जो थे वो चाहते थे कि जो इंडिया है वो आप कह सकते हो द्वितीय विश्व युद्ध में उनका समर्थन करे, सैनिक भेजे उनमें, आप कह सकते हो अपना समर्थन और कॉर्पोरेशन दे, ठीक है, अपना समर्थन और कॉपरेट करे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश के लिए, ठीक है, ब्रिटिश के लिए। तो इसमें प्रस्ताव भी रखा गया, इसमें इंडिया ने कहा भाई हमारा क्या फायदा, हम आपका अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम आपका साथ देंगे, कॉर्पोरेशन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इसमें हमारा क्या फायदा। तो उन्होंने कहा, प्रपोजल दिया कि आपको हम इंडियन यूनियन और एक डोमिनेंट स्टेटस भी देंगे, ठीक है, अधिकार देंगे आपको भारत के जगह जगह पे स्टेटस देंगे इंडियन यूनियन में, ठीक है। तब लाया गया 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया, किसके द्वारा, सीनियर मिनिस्टर सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा लाया गया, मगर ये अटेम्प्ट फेल्ड हो गया, ये अटेम्प्ट फील्ड हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया भाई क्रिप्स मिशन को, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के द्वारा, जो ये क्रिप्स मिशन आया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नेक्स्ट टू द किंग ड्यूरिंग द वैदिक एज वॉज, वैदिक युग के दौरान राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा हो तो हमने जब वैदिक, आप कह सकते हो वैदिक पीरियड को पढ़ा है, प्री वैदिक पोस्ट वैदिक जब हमने पढ़ा है, उसमें आपने ये जाना होगा कि राजा के बाद जो दूसरा स्थान, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दूसरा किसका होता था, ए बी सी डी, लगभग आपके पास 25 सेकेंड है, फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड राधे, रितिका, नारायण, मंटू एंड दीप, वेरी गुड। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर, वेरी गुड एशु, फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ओके वेरी गुड अपसार, सो सभी को पता है कि राजा के बाद हमेशा पुरोहित जो होते थे वैदिक एज में, उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती थी, किसकी, पुरोहित की, जो पूजा पाठ करते थे, धर्म की स्थापना करते थे, ब्राह्मणा पढ़ते थे और ज्ञान देते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, तो आपके पुरोहित की जो इंपॉर्टेंस थी वैदिक एज में, राजा के बाद इन्हीं की इंपॉर्टेंस मानी जाती थी, इन्हीं का आदेश राजा के बाद माना जाता था, ठीक है। सो बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाई थॉमस पाइन, थॉमस पाइन के द्वारा कौन सी बुक है जो नहीं लिखी गई है। काफी क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में बुक से रिलेटेड, ऑथर से रिलेटेड, है ना, फटाफट आंसर करेंगे, ए बी सी डी, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, 20 सेकेंड आर लेफ्ट,
फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से। तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? तो कौन सी बुक है जो नहीं लिखी गई थॉमस पैन के द्वारा? रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। ओके, फ्रांस में क्रांति का प्रचार जो है वो थॉमस पैन के द्वारा नहीं लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? एडमुंड बुर्क के द्वारा लिखा गया है, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। ओके, कब लिखा गया है? लगभग 1790 के दशक में लिखा गया है, 1790 में लिखा गया है। किसके द्वारा? एडमुंड बर्क के द्वारा। ठीक है, तो सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन सारे मॉन्यूमेंट को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। 40 seconds आर लेफ्ट, फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? वेरी गुड राधे, मॉन्टू एंड रितिका, दीप, नारायण, पूनम, वेरी गुड। सो फटाफट सभी आंसर करेंगे। व्हाट विल बी आवर राइट सीक्वेंस इन दिस क्वेश्चन? कौन सा ऑप्शन आप कह सकते हो राइट है इन दिस सीक्वेंस? तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? थर्ड विल बी योर राइट ऑप्शन। पहले क्या बना? तो पहले कौन सा मॉन्यूमेंट बना? शेर शाह सूरी जी का मकबरा बना। कहां पे? सासाराम बिहार में। कहां पे बना भाई? सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी जी का मकबरा बना। फिर क्या आया? हुमायूं टॉम बनाया गया। हुमायूं टॉम बनाया गया किसके द्वारा? बनाया गया हुमायूं टॉम दिल्ली में बनाया गया किसके द्वारा? जो हुमायूं की फर्स्ट बेगम थी, फर्स्ट वाइफ थी हुमायूं की, हाजी बानो बेगम। किसके द्वारा? हाजी बानो बेगम, फर्स्ट वाइफ थी हुमायूं की, है ना? तो इनके द्वारा बनाया गया था। क्या बनवाया गया? हुमायूं का मकबरा। कब बनवाया गया? लगभग 1570 के आसपास बनवाया गया। ठीक है, फिर क्या आया? चार मीनार आया जो कि हैदराबाद में है। सभी को पता है चार मीनार क्यों बनवाया गया? तो जो प्लेग की बीमारी फैली थी उसमें, जब आप सभी ने प्लेग की बीमारी जो फैली थी, फिर जब उस पर विजय पा ली गई, थोड़ा सा कंडीशन अच्छा हो गया, तो उसी के जश्न में चार मीनार का निर्माण किया गया। कौन सी बीमारी फैली थी भाई? प्लेग। ओके, ये हमेशा याद रखना, एनटीए यूजीसी नेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा कभी कभी पूछा जा सकता है। कब लगभग कब बना? 1591 के आसपास बना। ठीक है, 1591 के आसपास बना। लास्ट में क्या आया? गोल गुम्बज आया जो कि है बीजापुर में। गोल गुम्बज है जो कि है बीजापुर में है। कहाँ पे है बीजापुर? कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है। कब कंप्लीट हुआ? लगभग 1656 के आसपास ये कंप्लीट हुआ। सो दिस इज योर राइट सीक्वेंस। थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट आर लोकेटेड इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन कौन से जो ये साइट है वो पढ़ते हैं? फटाफट आंसर करेंगे। ए बी सी डी, वेरी गुड। तो आप सभी को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन अपना इंटरनेशनल बॉर्डर काफी कंट्रीज के साथ शेयर करता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, है ना? क्योंकि वो काफी व्यापार करते थे काफी काफी जगहों से। तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? ए बी सी डी। ओके, टाइम इज अप नाउ। थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से एरिया है बलूचिस्तान में पड़ते थे? तो आप कह सकते हो डाबर कोट पड़ता था, सुतका गोड पड़ता था। ठीक है, और क्या पड़ता था? आप कह सकते हो सुतकांगेंगडोर। ठीक है, सुतकांगेंगडोर। अब ये जो ऑप्शन है सुरतुगाई, सुरतुगाई कहाँ पड़ता था? अफगानिस्तान में पड़ता था। अफगानिस्तान में पड़ता था, कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ना कि बलूचिस्तान में।
ठीक है, दिस इज द मैप, दिस इज द मैप फॉर यू. शुर तो गई कहाँ पे पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है. ठीक है, मुंडीगाग भी आप कह सकते हो, शुटकागोर और शुटकांगिंग जो, ये सब कहाँ पड़ते हैं, बलूचिस्तान में पड़ते हैं. आप सब ग्राफ को अच्छे से याद करके जाइएगा जब भी एग्जाम देने जाएं, हमेशा मैपिंग, इतिहास में मैप बहुत जरूरी है, इन सबको अच्छे से देख के जाइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग धर्म सूत्र डिस्क्राइब सी वोयाज एज अ डीग्रेडिंग एक्ट. निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सूत्र जो है समुद्री यात्रा को एक अपमानजनक कार्य के रूप में वर्णित करता है. ए बी सी डी, फटाफट आंसर करेंगे, 30 seconds आर लेफ्ट. वेरी गुड, वेरी गुड, काफी आंसर आ रही है, बहुत ही अच्छी. सो वॉट विल बी आवर राइट आंसर? You welcome, Radhi. So, what will be our right answer to one time over? Okay. So, किस में आप कह सकते हो? किन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो समुद्र यात्रा है वो अपमानजनक कार्य है. ठीक है, उससे आपका वर्ण दूषित होता है. सो बोधायान विल बी आवर राइट आंसर. इन्होंने क्या किया, समुद्री यात्रा जो आप समुद्र के जरिए यात्रा करते हो दूसरे देश जाने के लिए, व्यापार करने के लिए, किसी भी कारणवश, ठीक है, दूसरे देश जाना चाहते हो, कोई चीज लिखने के लिए, ठीक है, बहुत सारे ट्रेवलर्स भी तो आए जिन्होंने आप कह सकते हो ट्रेवल राइटिंग की, तो वो सारे कार्य को जो समुद्री यात्रा से होके गुजरते हैं उस चीज को वो अपमानजनक कार्य के रूप में वर्णित किया है कि अगर आप समुद्र यात्रा करोगे तो आपका वर्ण दूषित होगा और काफी चीज. किसने कहा? बोधायन ने. ठीक है, सो दिस विल बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इन 1904 दैट बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज. 1904 में किसने कहा था कि बंगाल यूनाइटेड एक शक्ति है, बंगाल का विभाजन कई तरह से खींचेगा. बंगाल विभाजन की बात हो रही हो, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ. क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ, है ना. किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा हुआ? आप कहोगे आपके प्यारे लॉर्ड कर्जन के द्वारा. ठीक है, किसी के प्यारे तो नहीं है मगर फिर भी लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ. तो इसी के लिए एक आंदोलन किया गया, बंगाल विभाजन के ही आप कह सकते हो, बंगाल विभाजन के ही ऊपर एक आंदोलन शुरू हुआ. कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ. बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? ए बी सी डी, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. किसने कहा था 1904 में कि जो बंगाल अगर वो यूनाइटेड रहा, ठीक है, तो वो एक शक्ति के रूप में उभर के आएगा. बंगाल विभाजन से पहले यूनाइटेड था तो वो शक्ति के रूप में उभर के आएगा, अगर बंगाल डिवाइड हो गया तो आप कह सकते हो कई तरह से वो खींचेगा अपनी शक्ति जो है, कई तरह से उसकी शक्ति विभाजित हो जाएगी. हर्बर्ट रीसले ने कहा था. किसने? हर्बर्ट रीसले ने कहा था. लॉर्ड कर्जन ने तो विभाजन किया था, है ना. चल फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुंग कला में बुद्ध का प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व किया गया था? फटाफट आंसर करेंगे. ए बी सी डी, वेरी गुड, आ जाना. वन टू, रितिका एंड शिवानी, राधे, नारायण, वेरी गुड, वेरी गुड. सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? हाँ, बिल्कुल, राधे ने बताया कि मैम जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसके बाद से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ. वेरी गुड, सो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ कि हम अपने ही देश की बनी हुई चीजों को हम यूज करेंगे, ना कि विदेश से आई हुई चीजों को हम यूज करेंगे. तो विदेश की आई हुई चीजों का बहिष्कार होना शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद से शुरू हुआ. वेरी गुड राधे, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ए बी सी डी, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? चारों ऑप्शन आपके करेक्ट है. ऑलराइट, फोर्थ विल बी आवर राइट ऑप्शन. छत्र, पग पग, धर्म चक्र, बोधि वृक्ष, ये सब आप कह सकते हो सिंबॉलिकली प्रेजेंट रिप्रेजेंट किया गया है शुंग आर्ट में. ठीक है, शुंग आर्ट के द्वारा ये सब प्रेजेंट किया गया है सिंबल के रूप में. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे. द मेथड ऑफ रेडियोकार्बन डेटिंग वॉज यूज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एट, भारत में पहली बार रेडियोकार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया गया था कब?
कहां पर? देखो, रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए ही कोई भी चीज कितनी पुरानी है वो आप पता लगा सकते हो। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का उत्खनन हुआ था 1920 में, आप कह सकते हो हड़प्पा का जब आप कह सकते हो स्टार्टिंग हुआ उत्खनन होना, है ना, 1931 में मोहनजोदड़ो का, 1920 में आप कह सकते हो हड़प्पा का। तो उत्खनन स्टार्ट हुआ तो जो चीजें मिल रही थी, जो विलास की चीजें मिल रही थी, चाहे वो पॉटरी हो, मूर्ति हो, कोई भी चीज हो, नेत्रिका हो, नाच करती हुई नेत्रिका हो, कोई भी चीज जो मिल रही थी, उस चीज को वो कितना पुराना है कैसे पता लगाया जाता था? रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए पता लगाया जाता था। तो ये सबसे पहले आप कह सकते हो फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज हुआ, फर्स्ट टाइम कहाँ पे यूज हुआ, फटाफट आंसर करेंगे। Very good. So time is up now. D will be our right option. Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai में first time radiocarbon dating को use किया गया, इस method को use करके चीजों को आप कह सकते हो कितना पुराना है पता लगाया गया। कहाँ पे? Tata Institute of Fundamental Research in Mumbai. All right. D will be our correct answer. Next question देखिए, निम्नलिखित में से किसने शिव को अपने सिक्कों पर चित्रित किया? Who among the following depicted Shiva on their coins? देखो पहले के टाइम क्या होता था प्यारे साथियों, जो कॉइन्स के रूप में आप कह सकते हो मॉनेटरी सिस्टम काम करती थी। पहले तो बार्टर सिस्टम था, सामान दो सामान लो, ठीक है। पर फिर क्या हुआ, कभी कभी सामान का मूल्य आप कह सकते हो, आप किसी को गेहूं दे रहे हो, बदले में किसी ने आपको आप मान लो कोई दूसरी चीज दे दी, तो गेहूं का मूल्य क्या पता ऊपर होता हो, दूसरी चीज का कम होता हो, मगर आपको जरूरत थी तो आपने कम वैल्यू पे सामान ले ली। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए आप कह सकते हो मॉनेटरी सिस्टम लाया गया, सिक्कों को लाया गया। सिक्कों पे राजा कभी कभी खुद को ही चित्रित कर देते थे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए। लेकिन कौन कौन थे जिन्होंने शिव को, ठीक है, शिव को सिक्कों पर चित्रित किया? पहले भाई दो लोगों का ज्यादा प्रचलन था, एक नैनवार होते थे जो शिव के वक्त, और एक विष्णुवार होते थे, ठीक है, वैष्णुवार। फटाफट आंसर करेंगे ए बी सी डी। तो टाइम इज अप नाउ, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? चारों आप कह सकते हो हर्ष, शशांक, वासुदेव एंड विम कट फीसेस, सभी ने शिव को अपने सिक्कों पर, कॉइन्स पर चित्रण किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स फाउंड इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम कहां पर आप कह सकते हो जो पैलियोलिथिक एक उपकरण है कहां पर मिला, ठीक है, कहां पर मिला? सभी को तो ये पता ही होना चाहिए, ठीक है, इतिहास के बच्चों को ये पता ही होना चाहिए। और जो जो सेशन को देख रहे हैं लाइक जरूर करते रहिएगा, लाइक और शेयर कमेंट फटाफट करते रहिएगा, सारे मैं कमेंट यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ठीक है। चलो वेरी गुड मंजू, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? सर्वप्रथम कहां पे मिला? हस्त खुलाड़ी मिली थी, है ना, कहां पे? पल्लवरम तमिलनाडु में। क्या मिला था ब्रूस फुटे को, क्या मिला था? आप कहोगे मैम एक हस्त खुलाड़ी मिली थी पल्लवरम तमिलनाडु में, ठीक है। फटाफट देख लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फुटे इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे, अंग्रेजी जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जियोलॉजिस्ट मीन्स की वो भूविज्ञान, ठीक है, भूविज्ञान जो आप भूमि से आप कह सकते हो पत्थरों का अध्ययन करना, भूमि में जो आप सॉल्ट है, रॉक है, स्टोन है, सबका अध्ययन करना, भूविज्ञानिक थे, ठीक है। आप कह सकते हो पहले पर्सन थे जिन्होंने पैलियोलिथिक उपकरण को पल्लवरम चेन्नई में डिस्कवर किया, फाउंड किया। कब? 1863 में इनको क्या मिला? एक हस्त खुलाड़ी मिली, है ना। तो आप कह सकते हो कहाँ पे रखा गया है, कहाँ पे आप कह सकते हो चेन्नई म्यूजियम में इसको अभी रखा गया है, और जो हस्त खुलाड़ी मिली इसको क्या कहा गया? मद्रास स्टोन टूल इंडस्ट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्त खुलाड़ी मिली है इनको ब्रूस रॉबर्ट, आप कह सकते हो रॉबर्ट ब्रूस फुटे, नाम याद रखना हमेशा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अकाउंट फॉर डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन? किन्होंने ये सर्वप्रथम, किसने व्याख्या की कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय और अस्त होने का कारण है? ये क्वेश्चन शायद मैंने एक बार और आपको पूछा था, एक भी गलत आंसर नहीं आने चाहिए इस क्वेश्चन से। किन्होंने कहा भाई कि जो अपनी पृथ्वी जो है एक धुरी पर जो गोल गोल घूमती है उसी के कारण आप दिन और रात को देख पाते हो? फटाफट आंसर करेंगे।
जल्दी से इसका आंसर करेंगे। ओके सो वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? तो आर्यभट्ट ने ये कहा, आर्यभट्ट ने दो चीजें बताई, एक आर्यभाटिया और आप कह सकते हो दूसरी कौन सी, सूर्य सिद्धांत इन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने क्या बताया, आर्यभट्ट ने जिन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया, वैल्यू सिस्टम को आप कह सकते हो फाउंड किया, इन्होंने क्या क्या लिखा, आर्यभाटिया और सूर्य सिद्धांत। और इन्होंने क्या लिखा, आर्यभाटिया में इन्होंने अर्थमेटिक जियोमेट्री अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया। आर्यभाटिया के फर्स्ट चैप्टर में ही इन्होंने बता दिया कि जो सूर्य आप कह सकते हो अस्त और उदय होता है वो क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो है अपने ही आप कह सकते हो एक्सिस पे धुरी पे रोटेट करती है, ठीक है, आप सभी ने ग्लोब देखा होगा जो रोटेट करती है, वैसे ही अर्थ जो है आप कह सकते हो एक्सिस पे रोटेट करती है, जिस वजह से आपको उस मूवमेंट के कारण, उस गतिविधि के कारण आपको दिन और रात देखने को मिलता है, ठीक है, दिन और रात देखने को मिलता है, युग चेंज होते हैं, ठीक है, युग चेंज होते हैं। सो फर्स्ट विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Harappan culture people inherited the knowledge of wheat, barley, cotton cultivation from their ancestor of the following. हड़प्पा संस्कृति के लोगों को निम्नलिखित में से अपने पूर्वजों से गेहूं, जौ और कपास की खेती का ज्ञान विरासत में मिला, और वो जो विरासत में मिला उसके साक्ष्य कहाँ पे मिले, ठीक है, साक्ष्य कहाँ पे मिले, सिंपल क्वेश्चन था, गेहूं जौ कपास के साक्ष्य कहाँ पे मिले, कहाँ से मिले, फटाफट आंसर करेंगे। ओके कहां से मिले साक्ष्य, फटाफट आंसर करेंगे। ए बी सी डी, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? टाइम इज अप नाउ। मेहरगढ़ से आप कह सकते हो नियोलिथिक यानी एग्रीकल्चर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मेहरगढ़ जो कि अभी पड़ता है पाकिस्तान में, वर्तमान में कहां पे है, पाकिस्तान में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट था, जहां से एग्रीकल्चर का आप कह सकते हो एविडेंस प्राप्त हुआ है, एग्रीकल्चर कृषि से रिलेटेड चीजों का एविडेंस प्राप्त हुआ है, जिसमें वीट बार्ली कॉटन के बारे में बताया गया है। कॉटन का सर्वप्रथम इस्तेमाल, सर्वप्रथम आप कह सकते हो खेती किसने शुरू की, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने शुरू की। तो इतिहास देखो कितना प्यारा सब्जेक्ट है जो आपको बताता है कि किसी चीज का उद्भव कहाँ से हुआ, किसी चीज का आप कह सकते हो जो उद्गम है, जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से हुआ। सोचो ये जो आज आप ये जो कॉटन के कपड़े पहनते हो, ठीक है, इसका भी इतिहास रहा है, ठीक है। सो इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है ये। अंडर द चोलास लैंड रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड थ्रू द, चोलों के अधीन भू राजस्व वसूल कहां से किया, किस आप कह सकते हो वसूल कैसे किया जाता था, किसके द्वारा, ए बी सी डी, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? वेरी गुड मंजू, राधे, नारायण, सपना एंड शिबानी, ओके फटाफट आंसर करें, वेरी गुड अनीमा, रितिका, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? ओके टाइम इज अप नाउ। क्वेश्चन ऑलरेडी आप कह सकते हो ग्राम सभा, ठीक है, भू राजस्व आप कह सकते हो किसके जरिए कलेक्ट किया जाता था, ग्राम सभा के जरिए कलेक्ट किया जाता था। चोलास का एक सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से था, आप कह सकते हो लैंड रिवेन्यू से, भूमि पे जो आप कह सकते हो टैक्सेस की वसूली की जाती थी, वहां से एक सोर्स ऑफ इनकम था चोलास का, ठीक है, काफी आप कह सकते हो मेन सोर्स ऑफ इनकम था चोला गवर्नमेंट के लिए, जो वो भूमि से टैक्स वसूल करते थे, कौन वसूल करता था, ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायनेस्टी टू विच क्वीन रुद्रमा देवी बिलोंग टू, रानी रुद्रमा देवी के वंश की पहचान कीजिए, किस किस वंश से वो बिलोंग करती थी, ए बी सी डी, किस वंश से वो बिलोंग करती थी। सेशन को सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे करिएगा, ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट सभी करते रहिएगा, सभी के कमेंट में पढ़ रही हूँ यहाँ पे, ठीक
ठीक है, चलो फटाफट आंसर करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. तो 15 सेकेंड आर लेफ्ट, सिर्फ 15 सेकेंड आप सभी के पास है. ओके, तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? टाइम इज अप नाउ. थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन. रानी रुद्रमा देवी किस वंश से बिलोंग करती थी? वांगल के काकतीय वंश से बिलोंग करती थी. काकतीयस ऑफ वांगल, ठीक है, वांगल के काकतीय वंश से बिलोंग करती थी रानी रुद्रमा देवी जी. चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, काफी लंबा क्वेश्चन है. अ मुगल एम्पीरियर शोएड, एक मुगल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक विचारों वाले व्यक्तियों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह सीखने की एक सांसारिक प्रक्रिया है. अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपने वैवाहिक प्रयोग द्वारा नवजात को पूरी तरह से एकांत स्थान में रखा जिसे गंग महल के नाम से जाना जाता है. उस मुगल बादशाह का नाम बताएं. ओके, 10 सेकेंड आर लेफ्ट. तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? कौन से राजा थे ऐसे जिन्होंने कहा कि जो आप कह सकते हो जो भाषा है वो कोई एक आप कह सकते हो प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है. ठीक है, जुबान एक कुदरत नहीं है. भाषा क्या है? जुबान एक कुदरत थोड़ी है, प्राकृतिक प्रक्रिया थोड़ी है, वो तो एक सांसारिक प्रक्रिया है. ठीक है, ये सीखने का एक सांसारिक प्रक्रिया है. आप संसार में जब जाते हो आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को सीखते हो. ठीक है, किसने कहा? अकबर ने कहा. अकबर ने कहा था ये, अकबर ने कहा था. सो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन. बिल्कुल राधे जी, अकबर विल बी आवर राइट आंसर. वेरी गुड रितिका, पूनम, शिवानी. थर्ड नहीं बेटा, बी होगा. वेरी गुड नारायण. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. Who termed the dominion of Sultan Muhammad Tughlaq as Hind and Sindh? जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, उनको आप कह सकते हो हिंद और सिंध किसने कहा था? किसने कहा था? फटाफट आंसर करेंगे. 30 सेकेंड आर लेफ्ट. ओके, द टाइम इज अप नाउ. व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? हिंद और सिंध सुल्तान तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को किसने नवाजा था हिंद और सिंध कह के? तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? किन्होंने सही ऑप्शन किया है, सही आंसर किया है? इब्न बतूता ने कहा था. इब्न बतूता ने, जो कि एक आप कह सकते हो ट्रैवल राइटर थे, ठीक है, वो यात्री थे जो कि वृतांत लिखा करते थे. तो इब्न बतूता ने, सभी ने 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है, वहां पे इब्न बतूता बताते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने उनके प्रभुत्व को हिंद और सिंध कहा था. मोहम्मद बिन तुगलक आप कह सकते हो दिल्ली के जो सुल्तान, 18वें सुल्तान थे, 18th सुल्तान थे दिल्ली के. ठीक है, सो सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. गति यंत्र वॉज यूज इन अर्ली मेडिवल इंडिया फॉर, जो मध्यकालीन भारत में जो गति यंत्र था उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? ए बी सी डी, किस लिए किया जाता था गति यंत्र का प्रयोग? फटाफट आंसर करेंगे. वेरी गुड, इसलिए किया जाता था. 15 सेकेंड आर लेफ्ट, फटाफट आंसर करेंगे.
ओके, वेरी गुड। तो कुओं से सिंचाई के लिए किया जाता था गति यंत्र का प्रयोग। आप कह सकते हो मध्यकालीन भारत में जो कुओं से सिंचाई के लिए हम गति यंत्र का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसियन की संधि किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? द ट्रीटी ऑफ बेसियन वॉज साइन बिटवीन, किसके बीच हुई थी भाई? 1802 में, 1802 में किसके बीच हुई थी बेसियन की संधि? ए बी सी डी। तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? 15 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे। तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट ऑप्शन। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव अब द्वितीय जो थे, ठीक है, पूना के आप कह सकते हो मराठा के पेशवा थे, इनके बीच हुई थी बेसियन की संधि 1802 में। ठीक है, इनके बीच हुई थी 1802 में बेसियन की संधि, जो कि आप कह सकते हो जो मराठा यूनिटी थी, संघ थी, आप कह सकते हो टूटने के पीछे का यही कारण था संधि की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयवर्मन द्वितीय ने कंबुज में देवराज पंथ की स्थापना की थी, क्या ये सत्य है? कारण कह रहा है इसलिए स्थापना की थी क्योंकि इसके द्वारा वह कंबुज को स्वतंत्र बनाना चाहते थे। सो व्हाट ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन? ए बी सी डी। 40 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ। फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड सपना, राधे, नारायण, रितिका, वेरी गुड। तो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? 10 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट विल बी आवर राइट ऑप्शन। बिल्कुल, जयवर्मन द्वितीय ने कन्नौज में देवराज पंथ की उन्होंने स्थापना की, और साथ में ही इसकी स्थापना के पीछे क्या कारण था कि वो जो कन्नौज था उसको स्वतंत्र बनाना चाहते थे। ठीक है, सो ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल प्लान क्या था? फटाफट बताएंगे व्हाट वॉज द मार्शल प्लान? ए बी सी डी। तो व्हाट इज आवर राइट ऑप्शन? 15 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे। ओके, सो टाइम इज अप नाउ। थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। इकोनॉमिक पैकेज ऑफ यूएसए टू कंट्रोल कम्युनिज्म। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्या हुआ था? यूएस ने, आप कह सकते हो यूरोपियन कंट्रीज को, ठीक है, कहा यूरोपियन कंट्रीज को उन्होंने, आप कह सकते हो फंडिंग एड प्रोवाइड की थी। ठीक है, क्या प्रोवाइड किया था? आप कह सकते हो उन्होंने फंडिंग प्रोवाइड की थी। ठीक है, क्या प्रोवाइड किया? उन्होंने एक रिकवरी प्रोग्राम इनिशिएट किया जिसके जरिए उन्होंने कुछ फंड प्रोवाइड किया, कुछ मॉनेटरी प्रोवाइड की, कुछ आप कह सकते हो सहयोगात्मक चीजें प्रोवाइड की। किसको? आप कह सकते हो यूरोपियन कंट्रीज को। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान किसने? यूएस में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आप कह सकते हो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने 1948 के आर्थिक सुधार अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए और इसी को मार्शल योजना के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इस राज्य के सचिव कौन थे? जॉर्ज मार्शल के नाम पर ही उसको, आप कह सकते हो उस प्लान को उसका नाम दिया गया था।
ठीक है, आर्थिक सहायता प्रदान करना ही इसका बुनियादी ढांचा था। किसको आर्थिक सहायता? यूरोपियन कंट्रीज को। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आमिर खुसरो? आमिर खुसरो का इसमें से कौन सी आप कह सकते हो एक कला नहीं है, एक काम नहीं है? आज जी मंजू जी, रोज हमारी क्लासेस होती है इसी टाइम पे, कभी हम यूजीसी पेपर वन की क्लास लेते हैं, कभी पेपर टू की क्लास ऑर्गेनाइज होती है। पेपर टू हमारा इतिहास है। ओके, फटाफट इस सेशन को शेयर भी किया करें आप सब, जो भी आपको पता हो कि जो भी तैयारी करते हैं इतिहास से रिलेटेड चीजों की, ठीक है, चाहे वो आप कह लो कोई भी एग्जाम हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया, एनटीए यूजीसी नेट हो गया, या स्कूल में भी आप अगर पेपर हो किसी आपके फ्रेंड्स का तो उसमें भी इतिहास काम आता है। फटाफट आंसर करेंगे, ए बी सी डी। कौन सा इसमें से वर्क नहीं है आमिर खुसरो का? तो आप कहोगे मैम बुनियाद अल मुनिहा जो है वो तो एक इंडियन म्यूजिक पे एक बुक लिखी गई है, ठीक है, इंडियन म्यूजिक पे बुक लिखी गई है, गुजरात में कंपोज की गई थी, गुजरात में। इसके राइटर गुमनाम है, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना इंफॉर्मेशन है कि ये आमिर खुसरो जी का कार्य नहीं था, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो है आमिर खुसरो द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लिएस्ट ऑफ द जैन कल्पसूत्र पेंटिंग बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? जैन कल्पसूत्र के सबसे पुराने चित्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट बताएंगे, ए बी सी डी। मालवा गुजरात, मालवा जौनपुर, गुजरात मेवाड़, जौनपुर गुजरात। ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, जो आप कह सकते हो जैन कल्प सूत्र के सबसे पुराने यानी एंशियंट क्षेत्र जो थे किस क्षेत्र से संबंधित थे? मालवा और गुजरात के रीजन से संबंधित थे। पेंटिंग्स कब से बनने स्टार्ट हुए थे आप कह सकते हो 14 टू मिड 16 सेंचुरीज में, आप कह सकते हो बल्क में पेंटिंग्स बनने स्टार्ट हुए थे, ठीक है, बल्क में पेंटिंग्स बनने स्टार्ट हो गए थे। कल्पसूत्र वेस्टर्न, आप कह सकते हो मोस्टली फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, गुजरात राजस्थान वेस्टर्न रीजन ऑफ मालवा में आप कह सकते हो पाए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑर्डर्ड द मुस्लिम वुमेन वेयर नॉट टू कम आउट ऑफ देयर हाउस और गो टू विजिट टॉम आउटसाइड द सिटी ऑफ दिल्ली? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आदेश दिया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए और दिल्ली शहर के बाहर मकबरों में नहीं जाना चाहिए? कौन से ऐसे आप कह सकते हो सुल्तान थे जिन्होंने ये आप कह सकते हो बहुत ही वियर्ड एक तरह से आदेश दिया, ठीक है। A, B, C, D. Very good. Very good. So what will be our right option? Very good, Poonam, Ritika, Sapna, Radhe. Very good. So time is up now. B option will be our correct option. Firoz Tughlaq. Okay, Firoz तुगलक एंड किसने आप कह सकते हो सिकंदर लोदी ने ये आदेश दिया, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। फिरोज तुगलक एंड सिकंदर लोदी ने आप कह सकते हो ये आदेश दिया कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए या फिर जो दिल्ली के बाहर जो मकबरे बने हैं उसमें उन्हें नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मतलब घर से बाहर ही ना निकलो आप, महिलाओं को ये आदेश मिला किसके द्वारा? फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, By an imperial farman, which of the following rajas on Amber was prohibited from using the makrana marble in his own vatan jagir? एक शाही फरमान द्वारा आमिर के निम्नलिखित में से किस राजा को अपनी वतन जागीर में मकराना संगमरमर का उपयोग करने से मना कर दिया गया था? शाही फरमान भाई किसके द्वारा भेजा गया था? शाहजहां को जब ताजमहल बनवाना था, ठीक है, ताजमहल को बनवाना था तो
तो उनको जरूरत थी संगमरमर की। संगमरमर कहाँ पे मिलेगा? राजस्थान से उनको उनको लाना था। वतन किसका था? वो किसका वतन था? आप कह सकते हो उसी राजा का नाम बताइए जिनको मना कर दिया गया कि अपने ही वतन की चीज को, रिसोर्सेस को आप यूज मत करिए, क्योंकि हमें ताजमहल में उस संगमरमर को यूज करना है। ए बी सी डी, 4 seconds are left, 3, 2, 1, time up. Okay, अब कोई आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। मिर्जा राजा जय सिंह राजस्थान से बिलोंग करते थे उस टाइम, उन्हें अपने ही वतन राजस्थान से संगमरमर को यूज करने से मना कर दिया गया। ताजमहल बनवाना था शाहजहां जी को, तो उन्होंने कहा कि भाई आप संगमरमर को मत यूज करें क्योंकि हमें ये ताजमहल में उपयोग करना है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, दिस विल बी आवर राइट आंसर। Which one of the following Buddhist text mentioned 500 wives of Bimbisar? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख मिलता है? चलो फटाफट आंसर बताओ। वेरी गुड दीपेंद्र, राधे, रितिका, फटाफट सभी आंसर बताएं। नारायण, मंजू, शिवानी, वेरी गुड। तो 30 seconds are left now, फटाफट आंसर बताएं। ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? किन्होंने सही ऑप्शन बताए हैं? सो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, महावग्गा में आप कह सकते हो, महावग्गा एक बुद्धिस्ट ग्रंथ है जिसमें मेंशन किया गया है, जो बिंबिसार है उनकी 500 पत्नियों का उल्लेख किया गया है। बिंबिसार ने हर्यक वंश को आप कह सकते हो स्थापना की है। फर्स्ट रूरल थे। चलो वेरी गुड, सो ए विल बी ऑप्शन विल बी आवर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर हैड रिटन एन अकाउंट ऑफ मैनी एनिमल प्लांट एंड पीपल बट हैड नॉट ऑर्डर्ड हिज पेंटर्स टू मेक पिक्चर ऑफ देम। आपको उस जोड़े के बारे में बताना है जिनके परदादा ने कई जानवर, पौधों और लोगों का लेखा जोखा तो लिखा, लेकिन अपने ही चित्रकारों को कभी अपनी तस्वीर बनाने का आदेश नहीं दिया। वो कौन थे? परदादा और प्रापोत्र की जोड़ी को पहचाने, फटाफट आंसर करें। वेरी गुड आफ्टरनून निशा, काफी लेट हो आप बेटा, ऑलमोस्ट 1 आवर हमने क्लास शुरू की हुई है, 1 आवर हो चुका है। टाइम से क्लास आया करो, हमारी डेली क्लास 2:30 PM पर होती है। ठीक है, 2:30 PM पे डेली क्लास यूट्यूब की होती है, एप्लीकेशन पर भी मेरी क्लास होती है, लगभग 6:40 PM से एप्लीकेशन की क्लास होती है। तो टाइमली आप सभी ज्वाइन करोगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। Time is up now. Almost time is up now. What will be our correct option? तो जो बाबर और जहांगीर थे, इन्होंने बहुत लोगों के पिक्चर्स बनवाए, जानवरों, पौधों, लोगों, सभी का लेखा जोखा किया, कभी अपनी चित्रकारी, अपनी पेंटिंग्स बनवाने का आदेश नहीं दिया था। कोई बात नहीं निशा, सो वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति, मंजू, एंड ए विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे। Which of the following are the characteristics of manuscript illustration illustration in Akbarnama? Akbarnama में पांडुलिपि चित्रण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं? फटाफट आंसर करेंगे, यहाँ पे कोड भी दिया गया है। वेरी गुड दीपेंद्र, फटाफट आंसर करेंगे। हाँ बिल्कुल दीपेंद्र, जहांगीर के काल को आप कह सकते हो चित्रकला का स्वर्णिम युग माना गया है। फटाफट आंसर करेंगे। ए बी सी डी, टाइम इज अप नाउ। ओके, अब कोई आंसर नहीं आने चाहिए। ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, मुगल जो पेंटिंग्स होती थी। ठीक है, अकबरनामा आप कह सकते हो
मुगल जो पेंटिंग्स होती थी अकबरनामा में, जनरली क्या होता था, एक सिंगल पेंटिंग्स को बनाने के लिए दो पेंटर्स को आप कह सकते हो कोलैब किया जाता था, जो दो चित्रकार थे वो आपस में मिलके एक सिंगल चित्रकारी को कंप्लीट किया करते थे, है ना। फिर डी ऑप्शन सही है आपका। कुछ कुछ पेंटिंग्स में जैसे स्क्रेचिंग हो गई, कलरिंग, पोर्ट्रेट्स जो है वो तीन अलग अलग चित्रकारों द्वारा किया जाता था, क्योंकि जितने ज्यादा आप कह सकते हो जितने अलग अलग चित्रकार हैं उनको अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग नॉलेज होगी। मिनिएचर पेंटिंग्स भी फेमस थी, तो ना ही बी होगा ना ही आप कह सकते हो सी होगा, क्योंकि आपस में कंट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, सो ए और डी ऑप्शन आपका सही है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो कोड में मेंशन है वो आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द पॉपुलर एस्टिमेट ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरीज। लोकप्रिय अनुमान के अनुसार 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान भारत की ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत था, ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में, लगभग बताना है, अप्रोक्स, ए बी सी डी। ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन, ए बी सी डी। तो टाइम इज अप नाउ ऑलमोस्ट, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। लगभग ये लोकप्रिय अनुमान है, कोई एक्यूरेट पॉइंट नहीं है, क्योंकि जनगणना की स्टार्टिंग तो आप कह सकते हो काफी लेट हुई। ठीक है, तो 85% आप कह सकते हो ग्रामीण में जनसंख्या निवास करती थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत की। वही हम बात करें 1872 से जो जनगणना है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एक कह सकते हो सेंसस स्टार्ट हो गया था, जनगणना स्टार्ट हो गई थी, मगर जो सीरीज चलती है हर 10 साल की जनगणना वो कब से शुरू हुई, एक आप कह सकते हो ऑफिशियली 1881 से शुरू हुई, जिसकी एक सीरीज चलती है हर 10 साल पे जनगणना वाला, वो कब से शुरू हुआ, 1881 से। ठीक है, 1881 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड आंसर करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो राष्ट्रवादी आइकोनोग्राफी में भारत माता या मदर इंडिया की प्रसिद्ध पेंटिंग्स भारत की इस नई छवि का प्रतीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, मदर इंडिया की प्रसिद्ध पेंटिंग जो थी किसके द्वारा बनाया गया था, फटाफट आंसर करेंगे। जी राधे जी, चलो फटाफट आंसर करेंगे। ओके, 20 seconds आर लेफ्ट नाउ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आप कह सकते हो अभिनिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो मदर इंडिया है, इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग लगभग 1904 या 5 के दशक में आप कह सकते हो बनाई गई थी। ठीक है, 1904 या 5 में बनाई गई थी मदर इंडिया की जो फेमस प्रसिद्ध पेंटिंग थी उसको, किसके द्वारा, अभिनिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। कौन थे ये, एक प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे, चित्रकार आप कह सकते हो, एक आर्टिस्ट थे। कहाँ पे बोर्न हुए थे, पैदा कहाँ पे हुए थे, 1871 में बंगाल में पैदा हुए थे। स्वदेशी वैल्यू थी इनकी, जो आर्ट थी, चित्रकारी थी, उसमें क्या झलकता था, स्वदेशी वैल्यूज झलकते थे, तभी तो वो मदर इंडिया की पेंटिंग बनाए थे। ठीक है, फाउंडर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के फाउंडर थे, इनकी एक फेमस पेंटिंग थी माई मदर इंडिया करके। ठीक है, माई मदर करके फेमस पेंटिंग थी इनके द्वारा बनाई गई थी 1912-13 के आसपास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। आफ्टर गेनिंग ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद किसने जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाया था, स्वतंत्रता भारत में आती है कांग्रेस को नहीं, एक कैबिनेट बनाने का आग्रह किया जिसमें पार्टी संबद्धता की परवाह किए बिना सबसे योग्य शक्ति, आप कह सकते हो सबसे योग्य जो व्यक्ति थे उनको शामिल करना था। ठीक है,
किसने ये कहा था कि आप भाई संबंध मत देखो, ठीक है, अगर आप एक कैबिनेट बनाना चाह रहे हो तो आप संबंध मत देखो, बल्कि जो उसमें कैपेबल, आप कह सकते हो जो योग्य व्यक्ति है, एक कैपेबल व्यक्ति आप उसको बनाओ। देखो जब भी कोई आप कह सकते हो कैबिनेट चीजें होती हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में भी जो लोग बैठते हैं ज्यादातर आप कह सकते हो संबंध देखते हैं कि कौन कितना अच्छा उनसे बातचीत हो पा रही है, किससे अच्छा संबंध है, उसी को आप कह सकते हो लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन किसने ये कहा कि आप संबंध मत देखो, आप कैपेबिलिटी देखो, फटाफट आंसर करेंगे। तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन, टाइम इज अप नाउ। महात्मा गांधी जी ने कहा था ये, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता जो है वो भारत को आती है, कांग्रेस को नहीं। और आप अपने कैबिनेट, आप कह सकते हो जब बनाना है तो उसमें संबंध मत देखिए, बल्कि जो कैपेबल व्यक्ति है आप उनको शामिल करिए, कैपेबल व्यक्ति को शामिल करिए। सो थर्ड विल बी आवर राइट ऑप्शन। वेरी गुड राधे, रितिका, मंजू एंड वॉइस नेक्स्ट ज्योति, दीपेंद्र, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम इंडिया कन्फ्रंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे तत्कालीन समस्या निम्नलिखित में से कौन सी आई थी? ओके, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ज्योति जी, हमारी क्लास डेली यूट्यूब पे 2:30 PM की होती है, डेली यूट्यूब पे 2:30 PM की हमारी क्लासेस होती है। अनअकैडमी एप्लीकेशन पे डेली मेरी क्लास 6:40 PM की होती है, ठीक है, 6:40 PM की एप्लीकेशन क्लासेस होती है। तो ये मेरी टाइमिंग है, सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टाइमिंग का, फटाफट आंसर करेंगे। आजादी के बाद सबसे जो आप कह सकते हो प्रॉब्लम उभर के क्या आई, सबसे पहली प्रॉब्लम आप कह सकते हो जो सबसे पहले प्रॉब्लम उभर के क्या आई, तो भाई जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है, भारत आजाद हुआ था तो आप सभी को पता है जो सांप्रदायिक दंगे थे वो होने शुरू हो गए थे। भारत और मुस्लिम और हिंदू का जो आप कह सकते हो सारे धर्म में आपस में दंगे शुरू हो गए थे, क्योंकि जब बॉर्डर लाइन खींच गई थी तो कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरफ जाना था, कुछ लोगों को भारत की तरफ जाना था, और इसी जाने आने के चक्कर में मुस्लिम लीग की भी गलती है, हिंदुओं की भी, आप कह सकते हो दोनों की तरफ से जो मारकाट हुआ, जो चीजें हुई, और जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम समस्या शुरू हुई, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ लोग थे जो इंडिया में आए, उनको भी तो शरण देनी है, उनकी ना जमीनें पाकिस्तान में छूट गई। आप सोचो इंडिया के जो लोग थे अगर जो पाकिस्तान में धक्का मुक्की के लिए उसमें चले गए, भीड़ में चले गए, उनकी जमीनें जागीरें भारत में रह गई, तो अब वो पाकिस्तान में कैसे रहेंगे, रिफ्यूजी कैंप बनवाया जाता था। ये सब समस्या कब उभर के आई, जब भारत आजाद हो गया, ठीक है, तब ये सब सांप्रदायिक चीजें और जो रिफ्यूजी का आपके से तो समस्या उभर के आई कि उनको रखना कैसे है, उनका मेंटेनेंस, उनके एड का, डॉक्टर्स का, सारे जो मेडिसिन का खर्च, सारी चीजें उभर के भारत के समक्ष आई, और काफी टाइम लग गया भारत को इस चीज से आप कह सकते हो निजात पाने में। रिफ्यूजी प्रॉब्लम आप कह सकते हो जब पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो काफी उभर के ये प्रॉब्लम आई। 1948 के अराउंड लगभग 5.5 मिलियन नॉन मुस्लिम जो मूव किए थे आप कह सकते हो मूव इनटू इंडिया, मुस्लिम आप कह सकते हो पाकिस्तान से भारत आ गए थे लगभग 5.5 मिलियन मुस्लिम। अब सोचो उनका ना घर है, ना जागीर है, ना लैंड है भारत में, उनको रिफ्यूजी कैंप में रखा गया, और ये काफी बहुत ही लार्ज नंबर है, 5.5 मिलियन है ना, एंड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम हैड लेफ्ट इंडिया फॉर पाकिस्तान, और सेम यही वाइस वर्सा पाकिस्तान के लिए भी रवाना हुए थे। हाँ, अच्छा, राधे जी कह रहे मैम अभी भी ये समस्या है, बिल्कुल राधे जी अभी भी समस्या है, अभी रिसेंटली आपने बांग्लादेश का सुना था, है ना, तो ये समस्या तो बनी ही रहती है। द सेकेंड फाइव ईयर प्लान विच एम्ड एट एक्सिलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर द स्टेट अज्यूमिंग लीडिंग रोल वॉज ऑल्सो नोन एज, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के नेतृत्व वाली भूमिका के तहत आर्थिक विकास को गति देना था, इसको एक और रूप में जाना जाता था, वो कौन सा आप कह सकते हो नाम है, फटाफट आंसर करेंगे। ए बी सी डी,
15 सेकेंड आर लेफ्ट, ऑलमोस्ट 15 सेकेंड आपके पास है, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का. तो किस नाम से जाना जाता था दूसरी पंचवर्षीय योजना को? पीसी महानोबिस योजना के नाम से जाना जाता था. पीसी महानोबिस योजना कब आया ये सेकंड आप कह सकते हो पंचवर्षीय योजना? 1956 से 61 तक ये पंचवर्षीय योजना रहा. क्या इसमें एम था? इकोनॉमिक ग्रोथ का एम था, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एम था इसमें. और क्या एम था आप कह सकते हो? इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का ब्लूप्रिंट जो तैयार किया था कि कैसे कैसे आप क्या क्या प्लान करके इस चीज को कंडक्ट करेंगे, इस आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, एक ब्लूप्रिंट जो नक्शा तैयार किया था वो किन्होंने किया था? प्रशांता चंद्र महानोबिस ने किया था. तो इन्हीं के नाम से ये दूसरी पंचवर्षीय योजना भी जानी जाती है. भारत का आप कह सकते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, ठीक है. सो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर. इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया भी जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1661 में मद्रास का गवर्नर कौन था? 50 सेकंड है आपके पास, फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का. So what will be our right option in this question? Okay, almost 5 seconds are left now. What will be our right answer in this question? So, kaun the bhai? जॉर्ज फॉक्सक्रॉफ्ट थे आप कह सकते हो 1661 में मद्रास के गवर्नर. ओके, कौन? जॉर्ज फॉक्सक्रॉफ्ट. इनका आप सत्र देख सकते हो कब से स्टार्ट हुआ था इनका गवर्नर का जो काल था 1665 से लेके आप कह सकते हो दो सत्र थे 1665 से 1665 सितंबर तक एंड फिर अगस्त 1668 से जनवरी 1670, ठीक है. नाइन्थ आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर थे ये, नाइन्थ एडमिनिस्ट्रेटर थे. फुल नाम था जॉर्ज फॉक्सक्राफ्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द प्रोसेशन वॉज जॉइंटली लेड बाय द कांग्रेस प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू एंड द मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट हकीम अजमल खान. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जुलूस का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हाकिम अजमल खान ने संयुक्त रूप से किया था? फटाफट आंसर करेंगे. ए बी सी डी किसका भाई अध्यक्षता, किसने, मोतीलाल जी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? यही आंसर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. लगभग 15 सेकेंड हो गया, 15 सेकेंड आपके पास है. ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन ए बी सी डी. सो अमृतसर सेशन जो हुआ था 1999 में, ठीक है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1999 में जब संपन्न हुआ हत्याकांड आप कह सकते हो, मैसकेयर जब आप कह सकते हो हुआ, ठीक है, 13 अप्रैल 1999 में, तो इसी के आप कह सकते हो जुलूस में आप कह सकते हो जो अमृतसर सेशन हुआ 1919 में उसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू जी ने किया और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हाकिम अजमल खान ने संयुक्त रूप से किया. सो बी विल बी आवर राइट आंसर, ठीक है. मैसकेयर के बाद हुआ, जलियांवाला बाग के मैसकेयर के बाद हुआ, अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने की है और उन्हीं के साथ मुस्लिम लीग के जो प्रेसिडेंट थे हाकिम अजमल खान ने, उन्होंने भी की है, ठीक है. एक्सटेंड किया गया था खिलाफत मूवमेंट को इसमें. तो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी फॉर कम्युनिकेटिंग हिज आइडियाज. निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी के विचारों को संप्रेषित करने के लिए उनके साथ नहीं जुड़ा था? कौन सा ऐसा न्यूज पेपर था जो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड नहीं था?
तो 20 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे. व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? 5 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ. वेरी गुड. सो जो बच्चे कह रहे हैं मैम, द लीडर जो न्यूज़पेपर था वो महात्मा गांधी जी ने थोड़ी ना स्टार्ट किया था, ये द लीडर जो आप कह सकते हो न्यूज़पेपर था, पंडित पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्टार्ट किया गया था. ठीक है, किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा. ठीक है, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था लीडर न्यूज़पेपर. हरिजन का आप कह सकते हो किसने स्टार्ट किया था, हरिजन न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट हुआ था 1932 में. ऑल राइट, जो हरिजन न्यूज़पेपर था कब पब्लिश किया जाता था? 1932 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी जी द्वारा. इंडियन ओपिनियन कब स्टार्ट हुआ? 1919 में स्टार्ट हुआ इंडियन ओपिनियन. और यंग इंडिया कब स्टार्ट हुआ? यंग इंडिया कब स्टार्ट हुआ? 1893 में, जब महात्मा गांधी जी कहाँ पे थी? साउथ अफ्रीका में थी, तो उन्होंने यंग इंडिया 1893 में स्टार्ट किया था. ठीक है, सो दिस विल बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बस दो तीन क्वेश्चन और हैं, उसके बाद हम सेशन का एंड करेंगे. इन हूज ऑनर गेटवे ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट? किसके आप कह सकते हो सम्मान में भारत का गेटवे जो है उसको बनाया गया था? किसके सम्मान में? फटाफट आंसर करेंगे. 15 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ. किसके सम्मान में जो भारत का आप कह सकते हो गेटवे ऑफ इंडिया है, किसके सम्मान में बनवाया गया था? ए बी सी डी. तो फर्स्ट विल बी आवर राइट ऑप्शन. किंग जॉर्ज जो फिफ्थ थे, इनके सम्मान में आप कह सकते हो इनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था. ठीक है, कहाँ है ये गेटवे ऑफ इंडिया? ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? आप कह सकते हो मुंबई में पड़ता है, ताजमहल के आसपास, है ना. गेटवे ऑफ इंडिया आप कह सकते हो 20th सेंचुरी में बॉम्बे में लगभग बनवाया गया था. किसके सम्मान में? जो किंग थे जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी आप कह सकते हो इनके सम्मान में बनवाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द नेशनलिस्ट वोकलिस्ट पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर एस्टैब्लिश हिज फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय इन 1901? कहाँ पे राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय स्थापित किया था? किस एरिया में? ए बी सी डी. What will be our right answer? Very good, very good. लगभग 10 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ. कहां पर बनवाया गया था भाई इनके द्वारा? वेरी गुड रितिका, निशा, राधे, अंकित एंड सपना, मंजू, सभी ने लगभग सही आंसर दिया है कि लाहौर में बनवाया गया था. ठीक है, राष्ट्रवादी गायक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में अपना पहला गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में स्थापित किया, लाहौर में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. विच प्रोविंस वेंचर टू कंस्ट्रक्ट इरिगेशन कैनल थ्रू प्राइवेट कंपनीज बाय अश्योर्ड रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन अर्ली 60s ऑफ द 19th सेंचुरी? किस प्रांत ने 19वीं सदी के शुरुआती 60 के दशक में निजी कंपनियों के निवेश पर सुनिश्चित प्रतिफल द्वारा सिंचाई नहरों का निर्माण करने का उपकरण किया?
What will be our right answer? A, B, C, D. 30 seconds are left now. फटाफट आंसर करेंगे. Very good. Very good. So, हमारे पास बस 5-6 क्वेश्चन और है, फिर इस सेशन को एंड करेंगे. ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर? ऑप्शन ए विल बी आवर राइट ऑप्शन, दैट इज मद्रास. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द सेंटर ऑफ स्टोन टूल मैन्युफैक्चर इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है, कि वहां पर सबसे ज्यादा जो स्टोन से उपकरण बनाए जाते थे वो आप कह सकते हो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता था? कहां पर? तमिलनाडु एरिया है, मैं पहले बता देती हूँ, तमिलनाडु एरिया है. ठीक है, अब जान लो तमिलनाडु कहां पर है. तमिलनाडु से जुड़ा हुआ कौन सा इसमें एक जगह का नाम है? तो 15 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ. ओके, तो अगर हम तमिलनाडु से जुड़ा हुआ बात करें, ठीक है, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ बात करें, तो आप सभी को पता है तल्लवरम वहां पे क्या पाया गया है, हस्त खुलाड़ी पाई गई है ना, वो पड़ता है तमिलनाडु में. मगर अगर ये कहा जाए कि सेंटर ऑफ स्टोन टूल, ऐसा आप केंद्र माना जाए जहां पे स्टोन से बने हुए उपकरण का निर्माण किया जाता था, वो है इसमपुर में. इसमपुर पड़ता है कर्नाटका में. ठीक है, इसमपुर पड़ता है कर्नाटका में. सो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रीमती एनी बेसेंट वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता बनी. ठीक है, क्वेश्चन यही है, मिसेस एनी जो बेसेंट थी, कौन से ईयर में, ठीक है, कौन से ईयर में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में आप कह सकते हो प्रेसिडेंट बनी, कौन से ईयर में? इसमें ये नहीं पूछा गया है भारतीय महिला के बारे में, नहीं, बस यही पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो सर्वप्रथम महिला थी वो किस ईयर में प्रेसिडेंट बनी, अध्यक्षता मिली. फटाफट आंसर करेंगे. ए बी सी डी. कभी अगर बात हो भारतीय महिला की, ठीक है, भारतीय महिला की, तो भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी. ठीक है, जो आप कह सकते हो भारतीय महिला जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में एंटर किया वो थी सरोजनी नायडू. पर यहाँ पे सिर्फ वुमेन की बात हो रही है तो वुमेन इंटरनेशनल भी हो सकती है. ठीक है, कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? ऑप्शन सेकंड विल बी आवर राइट ऑप्शन. 1917 में ये नेशनल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी आप कह सकते हो अध्यक्ष बनी 1917 में. ठीक है, सरोजनी नायडू जब भी आएगा आप ये जान लो कि जब भी बात आए इंडियन पॉलिटिकल, आप कह सकते हो इंडियन वुमेन की, भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आप कह सकते हो पार्ट की, तो वो होंगी सरोजनी नायडू इंटरनेशनल में, एनी बेसेंट. ठीक है, और दिस विल बी आवर राइट आंसर. सुल्तानगढ़ी वॉज बिल्ट एज मॉसोलियम ऑफ, सुल्तानगढ़ी किसके मकबरे के रूप में बनवाया गया था? तो सुल्तानगढ़ी है किसके मकबरे के रूप में बनवाया गया था? फटाफट आंसर करेंगे. वेरी गुड अंकित. बट हम इतना डीप में डिस्कस नहीं करते हैं इसीलिए क्योंकि ज्यादातर आप सभी को पता है मैं एमसीक्यू कराती हूँ और एमसीक्यू में आने वाले क्वेश्चन से जुड़े हुए वो एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं. ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी तो हो सकता है अगला क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड हो, तो इस वजह से बस आंसर हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं. फटाफट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का. 15 सेकेंड आर लेफ्ट नाउ. ओके, व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? किसके, आप कह सकते हो किसके लिए बनवाया गया था ये मकबरा? तो नसरुद्दीन महमूद के लिए. ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के लिए मकबरा बना था. अभी कहाँ पर है आप कहोगे? मैम न्यू दिल्ली में है. न्यू दिल्ली में है. कब, लगभग कब बनवाया गया था? ठीक है, कब बनवाया गया था आप कहोगे? मैम लगभग 1231 में बनवाया गया था. ठीक है, 1231 में
बनवाया गया था आपका जो मकबरा है, ठीक है, मकबरा है, मकबरा है, ओके। सो 1231 में मकबरा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इन 1904 दैट बंगाल यूनाइटेड इज अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन सेवरल डिफरेंट वेज। हालांकि ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कर चुका है, अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है, मगर देखते हैं किस किस को याद है इसका आंसर। ओके, फटाफट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। तो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? और जो भी स्टूडेंट्स ये क्लास देख रहे हैं, सेशन को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करते रहिए। और मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, का सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। चलो फटाफट आंसर करेंगे, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। सो बी विल बी आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। हर्बर्ट रीसले ने कहा था अगर बंगाल आपके से क्यों यूनाइटेड रहा तो वो एक शक्ति के रूप में उभर के आएगा, बंगाल विभाजन करोगे तो शक्ति आपस में बचेगी, रॉबर्ट रीसले ने कहा था, लॉर्ड कर्जन ने तो 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था फूट डालो शासन करो के तहत। ओके, तो बस 1-2 क्वेश्चन और है, ऑलमोस्ट हमारे पास 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के फोर्ट विलियम के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए बी सी डी फटाफट बताएं, 40 seconds आर लेफ्ट नाउ। कोई बात नहीं राधे, ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? तो आप कहोगे मैम चार्ल्स अय्यर जो थे, ठीक है, चार्ल्स अय्यर जो थे वो आप कह सकते हो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बने, राष्ट्रपति बने। ओके, तो चार्ल्स अय्यर विल बी आवर राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं, गलती से ही सीखते हैं। हाँ बिल्कुल निशा जी, कोई बात नहीं, इंसान गलती से ही सीखता है। लास्ट क्वेश्चन है, द अर्लिएस्ट अवेलेबल इंडियन कॉइन्स वेयर मेड ऑफ, सबसे पहले जो आप कह सकते हो जो उपलब्ध भारतीय सिक्के हैं वो किस किसके बने होते थे, गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के, या कॉपर और सिल्वर के, किसके बने होते थे जो आप कह सकते हो सिक्के पाए गए हैं, जो अर्लिएस्ट सबसे पहले जो सिक्के बनते थे, ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे। What will be our right answer? A, B, C, D. 5 seconds are left now. तो फोर्थ ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जो अर्लिएस्ट अवेलेबल इंडियन कॉइन्स है वो किसके द्वारा बने होते थे, कॉपर एंड सिल्वर से बने होते थे, कुछ कॉपर के भी पाए गए, कुछ सिल्वर के भी पाए गए, ठीक है। अगर जो बच्चे सी ऑप्शन कर रहे हैं, बेटा अगर ये सिल्वर और कॉपर एक साथ ना होता तब आप कॉपर कर सकते थे क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉपर है, अगर आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है कॉपर एंड सिल्वर तो आपको फोर्थ ऑप्शन हमेशा करना होगा क्योंकि अर्लिएस्ट अवेलेबल इंडियन कॉइन्स इन्हीं के बने होते थे, ठीक है, इन्हीं के हमेशा आप देख सकते हो इन्हीं के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक होमवर्क क्वेश्चन हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है और इसका जो आंसर है वो आपको कहाँ करना है, आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट में करना है, कहाँ पर, ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर करना है। ऑल राइट, सभी को क्लियर है, ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर करना है। फर्स्ट इंडियन प्रिंसली स्टेट विच साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू जॉइन द इंडियन यूनियन वॉस, कौन सा स्टेट था, ऑफलाइन कमेंट में आपको इसका आंसर करना है। हमारा जो प्रीवियस होमवर्क क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई द डायनेस्टी टू विच क्वीन रुद्रमा देवी बिलोंग टू, तो हमने डिस्कस किया कि वो किससे बिलोंग करती थी, वांगल ऑफ काकतीय से बिलोंग करती थी आपकी प्यारी क्वीन रुद्रमा देवी बिलोंग करती थी, ये होमवर्क क्वेश्चन था। परचेज करते हैं बैचेस को परचेज करने के लिए, पहले तो भाई आप अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अगर नहीं है एप्लीकेशन तो डाउनलोड करो,
जो भी महीने का चाहिए उस पर क्लिक करो, ठीक है, 24/12/9/6। इस महीने पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे जो यहाँ पे रेफरल कोड पूछता है वहां पे जीटी नेट अप्लाई करोगे तभी आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट, ठीक है, 20% डिस्काउंट या फिर 2 महीने का एक्सटेंशन पीरियड फ्री में मिलेगा तभी आपको मिल पाएगा, तो अप्लाई जरूर किया करें। क्लासेस की टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बहुत वेलकम आपका राधे, निशा, अंकित एंड रितिका, नारायण और जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट सेशन को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार इस सेशन को देखने के लिए, जुड़ने के लिए। काफी बेनिफिशियल क्वेश्चन रहे होंगे आप सभी के लिए, जिंदगी में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके हेल्प करेंगे। डेली क्लासेस 2 बजे, दो नहीं लगभग आप मान के चलो, आजकल डेली मेरी क्लासेस 2:30 PM पर होती है, ठीक है, YouTube पर बात हो तो 2:30 PM पे डेली YouTube की क्लास होती है। अनअकेडमी एप्लीकेशन पे मेरी क्लास 6:40 PM एंड 8 PM पे होती है, ठीक है। दिस इज माई टाइमिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेली हमसे जरूर कनेक्ट हुआ करें। उम्मीद और आशा करते हैं क्लासेस पसंद आई हो अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए क्लास को जरूर लाइक किया करें, ठीक है, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को ताकि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम क्वेश्चन लाए। बहुत बहुत शुक्रिया राधे जी आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ऑल ऑफ यू।